राहुल गांधी का जन्मदिन सदाकत आश्रम में मनाया जा रहा है और ये अंदाज आप देखिए यहाँ पर क्या परिस्थितियाँ बनी हुई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ गई हैं और आप देखिए यहाँ पर मारामारी की स्थिति हो गई है, हंगामा हो रहा है। और हम आपको और तस्वीर दिखाना चाहते हैं भक्त चरण दास की तरफ से। इस बार साफ तौर पर ये निर्देश था कि बिहार में यहाँ पर कोई भी बड़ा समारोह नहीं होगा और अभी जो स्थितियाँ हैं आप देखिए यहाँ पर लोग मारामारी कर रहे हैं, लूट की स्थिति हो गई है। जो भी सामान है यहाँ पर लूट पटार की स्थिति हो गई है और जो भी यहाँ पर गरीब लोग हैं उनके लिए विशेष पैकेट कोविड किट की व्यवस्था की गई थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बड़े नेता यहाँ थे उन्होंने थोड़ा सामान ज़रूर बांटा, लेकिन अभी जो परिस्थितियाँ बन रही हैं यहाँ पर कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ गई और अभी जो है यहाँ पर भीड़ काफ़ी लगा हुआ है। ये कहा गया था कि राहुल गांधी का जन्मदिन जो है वो काफ़ी सादगी से मनाया जाएगा और यहाँ पर इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत मनाया जाएगा, कोविड नियमों का पालन होगा और कोरोना किट जो है वो बांटे जाएंगे। लेकिन कोरोना किट क्या बांटे जाएंगे अभी आप परिस्थितियाँ सामने में देखिए कि किस तरह से यहाँ पर जो ज़रूरतमंद लोग थे उनको बुलाया गया था, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो स्थितियाँ दिख रही हैं कोरोना किट बांटने के लिए बुलाया गया था और अभी देखिए फिर से सामान लाया गया है, लोगों को दिया जाएगा और जो भी परिस्थितियाँ यहाँ पर बन रही हैं वो तस्वीर सामने है। हम कोशिश करेंगे कि अध्यक्ष मदन मोहन झा से बात करें और ये जानने की कोशिश करें कि आखिर क्या एक बार आपको बीजेपी ने नीतीश कुमार को नीचा दिखाया खड़बा करके, उसमें चिराग पासवान को इंस्ट्रूमेंटल बनवाए, आज नीतीश कुमार ने उनके सांसद को तोड़ करके बीजेपी को जवाब दिया है, इसमें हम लोग को क्या लेना देना है? ये तो आपस की उनकी लड़ाई है, एक बार वो नीचा दिखाते हैं एक बार वो नीचा दिखाते हैं। सर अभी आप लोग यहाँ पर कोरोना किट बांट रहे हैं राहुल गांधी के जन्मदिन पर, जो परिस्थितियाँ दिख रही हैं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ गई, ये तो कोरोना किट बांटने के नाम पर कोरोना फैलाने का काम हो रहा है। ठीक बात है, क्योंकि हमारे जो लोग लेने के लिए आए हैं वो निजी हैं, बांट रहे हैं, उसमें हम लोग तो पालन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब जो बच्चे हैं नहीं समझ रहे हैं उनसे थोड़ी सी भूल हो जाती है। व्यवस्था तो ऐसी बनाई जा सकती थी ना सर? मानते हैं कहीं ना कहीं चूक हुई होगी, लेकिन लगता है ज़्यादा आदमी आ गए इससे थोड़ा सा लगता है हौचपौच की स्थिति हुई है, लेकिन सब बच्चे हैं सब ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सर आज 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 राहुल गांधी का जन्मदिन है और जीतन राम मांझी ने शुभकामना दी है, लेकिन नीतीश कुमार की शुभकामना अभी तक नहीं आई है सामने। देखिए वो ये बात तो नीतीश कुमार जी बताएंगे और मैं समझता हूँ कि ये तो नैतिकता की बात है ना, किसी को भी जन्मदिन का बधाई देना कोई बुरी बात नहीं है। अब मान लीजिए नीतीश कुमार जी का जन्मदिन होगा तो हम बधाई नहीं देंगे? देंगे। अब तो ये परिस्थिति हो गया जो लोग पहले की स्थिति जो थी हाउस में जो हो चुनाव में जो हो, लेकिन हर एक लोग को आपस में संवाद रहता था, पार्टी बेसिस पर रोज़ नहीं बातचीत होती थी। आज तक अगर एक व्यक्ति अगर चले आते हैं कहीं, हम चले जाएं कहीं या हमसे मिलने चले हैं, इसका माना जाता पार्टी टूट रहा है। अरे ये कैसे होगा, आपसे मेरा संबंध है तो आपसे मिलेंगे तो पार्टी टूटेगा, ये कोई बात ही नहीं हुई। मदन मोहन झा थे और बता रहे थे कि क्या परिस्थितियाँ हुई हैं, लेकिन हम आपको तस्वीर अभी भी दिखाते हैं कि अभी भी जो परिस्थितियाँ बनी हैं उसके मुताबिक लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें कोरोना किट चाहिए था लेकिन कोरोना किट अभी तक दिया नहीं गया है। आशीष जी, कोरोना किट बांटना था, ये क्या परिस्थितियाँ बन रही हैं? कोरोना का जो गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस को हम लोगों ने फॉलो किया है, लेकिन वो थोड़ी बहुत जब उत्सुकतावश जब लोगों का जो यहाँ का नेचर है कि लेने के क्रम में थोड़ा सा उसका पालन नहीं करने का उन लोगों ने प्रयास किया, तो हम लोगों ने उसको रोक दिया है फिलहाल। और जब कोरोना का पूरा जो 6 फीट का जो डिस्टेंस का जो हम लोगों ने मापदंड रखा था वो जब पूरा हो जाएगा तब हम लोग उसको पुनः शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ महिलाएँ आई हैं उनसे बात कर लेते हैं, जानने की कोशिश
ये बताइए यहाँ कहाँ पर, यहाँ कहाँ आई हैं आप लोग? गोसाई टोला है, आश्रम में। आश्रम में क्या लेने आई हैं? राशन। राशन लेने आई हैं। आज कुछ खास है? आज क्या दिन है? क्या बोला गया, क्या बोला गया आप लोगों को? याद नहीं बोला, बोले कि राशन ये बटा रहा है आश्रम में। सिर्फ राशन बटा रहा है, इतना बताया गया? एक दूसरे कोई बताया है दूसरा आदमी, ये बताया गया राशन बट रहा है। हाँ राशन बट रहा है कि चलिए मिठाई बट रहा है बच्चों सबसे। मिठाई मिला? मिठाई नहीं मिला है, ये मिल रहा है चलिए। मिठाई मिला? नहीं मिठाई नहीं मिला है, अभी लाइन में लगे हुए हैं, नहीं मिला है। चलो बता दिया लाइन में, अभी क्या बोल रहा है ये लोग? तो बड़ी बात कि यहाँ पर इन लोगों को राशन कहा गया, जो आपको राशन दिया जाएगा और आप यहाँ पर चलें, आपको मिठाई दी जाएगी चलें। और जबकि हकीकत ये था, जो जानकारी दी गई थी उसके मुताबिक यहाँ पर कोरोना किट बांटा जाना था। आप यहाँ पर भीड़ देखिए, लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। और जो कोरोना काल का जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को फॉलो करने में बिहार कांग्रेस बिल्कुल बुरी तरह से विफल रही। हाँ इतना ज़रूर है कि लोगों को किस नाम पर बुलाया गया और यहाँ पर क्या परिस्थितियाँ बन रही हैं वो तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है। कैमरा पर्सन दीनानाथ ओझा के साथ आशुतोष चंद्र, अजय मीडिया, पटना।